students, today I have brought very very important exercise, okay? And from 6th to 12th students should watch it. 6th से 12th तक के स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, राइट? क्योंकि हमें इसमें बी की फॉर्म भरनी है. अब सबसे पहले बात तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि बी की क्या फॉर्म होती है. एंड हैज़ हैव हमें इसमें भरना है. हैव की फॉर्म मतलब हैज़ और हैव, ठीक है? प्लूरल होता है तो हैव यूज़ करते हैं, सिंगुलर होता है तो हैज़ यूज़ करते हैं. लेकिन बी की फॉर्म के बारे में शायद आप लोगों ने कम सुना होगा. सो बी की फॉर्म क्या होती है बेटा, मैं यहाँ लिखती हूँ आप लोगों के लिए. बी की फॉर्म देखिए, is am are was were than will shall been been like this. ये हमारी be की form है. अगर हम be की present की form बात करेंगे तो is am are, बी की अगर हम पास्ट की बात करें तो वर्स वर, और बी की अगर हम बात करें फ्यूचर की तो विल शैल, और बी का बीइंग भी होता है, बी का बीइंग भी होता है. अब देखो इतनी सारी फॉर्म है एक वर्ब बी की, तो हमें कैसे हमें पता चलेगा कि हमें इसमें से कौन सा वर्ब भरना है. इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आज की जो एक्सरसाइज है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ अब देखते फर्स्ट सेंटेंस को समझेंगे और हम साथ में करेंगे, ओके? Either Rani or Rahul that's going to give speech. या तो रानी या राहुल, दोनों में से एक स्पीच देने जा रहा है. अभी दोनों स्पीच देने नहीं जा रहे, दोनों में से एक जा रहा है. अगर आपका आइदर, अगर आपके सेंटेंस में आइदर होगा तो हमें जो वर्ब भरनी है वो सिंगुलर है, ठीक है? सो आइदर रवि और राहुल इज गोइंग टू गिव स्पीच. अब इज आ रहा है क्योंकि या तो रानी जाएगी स्पीच देने या राहुल जाएगा. अब रानी भी एक है और राहुल भी एक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है? सो आइदर और अगर आपके सेंटेंस में आता है और अगर आपको वर्ब भरनी है तो आपको सिंगुलर भरनी है, ठीक है बेटे? नेक्स्ट, नाइदर राम नॉर श्याम डैश बुक. ना ही राम के पास बुक है और ना ही श्याम के पास बुक है. सो नाइदर और नॉर के साथ भी हमारी वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है. सो नाइदर राम नॉर श्याम हैज बुक. देखो हमने हैव यूज नहीं किया, हमने हैज किया, क्योंकि ना ही राम के पास बुक है ना ही श्याम के पास बुक है. तो नाइदर अगर आपके स्टेटमेंट में है तो आपकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, ओके स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, राहुल द इन्वेंटर एंड बिजनेसमैन डैश द चीफ गेस्ट. अब हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे द इन्वेंटर भी आ गया, यहाँ पे बिजनेसमैन भी आ गया, तो हमें लग रहा है कि यहाँ जो वर्ब है प्लूरल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि राहुल ही इन्वेंटर है और राहुल ही बिजनेसमैन है. हमें कैसे पता चला? क्योंकि बिजनेसमैन के आगे यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, बिजनेसमैन के आगे यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है. आर्टिकल इन दोनों प्रोफेशन का एक ही आर्टिकल है द. इन्वेंटर के लिए भी द यूज किया है और बिजनेसमैन के लिए भी द यूज किया है. इसका मतलब ये दोनों प्रोफेशन किसके हैं? राहुल के हैं. तो राहुल तो एक इंसान है. सो राहुल जो कि इन्वेंटर है और जो कि बिजनेसमैन भी है, वो आज का चीफ गेस्ट है, इज द चीफ गेस्ट. आप लोग क्या गलती करते हैं? आप कहते हैं इन्वेंटर भी आ रहा है, बिजनेसमैन भी आ रहा है, और आप लोग यहाँ पे आर भरते हैं, तो ये गलत होता बेटा. सो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ध्यान से देखना वीडियो को, एंड तक देखना. इस प्रकार का स्टेटमेंट जरूर होता है, इसमें नाउन होगा, इसी नाउन के लिए यहाँ पे डेजिग्नेशन होती है, और जो भी दो तीन डेजिग्नेशन होगी, दो तीन, उनका आर्टिकल एक ही होता है. अगर एक आर्टिकल है, इसका मतलब ये सभी डेजिग्नेशन एक ही इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है बेटे? नेक्स्ट, द कैप्टन अलोंग विद सेलर्स डैश शिप रैग. सबसे पहले शिप रैग क्या होता है? टूटा हुआ जहाज. शिप मतलब जहाज, रैग मतलब टूटा हुआ. अब वो क्या कह रहे हैं कि कैप्टन और उसके साथ जो सेलर्स हैं वो सबके सब टूटे हुए जहाज में, उनका जहाज टूट चुका है. बेटा एक रूल होता है, रूल क्या होता है कि जब आप किसी
तो हम क्या कह रहे हैं, कैप्टन अपने साथियों के साथ डूब गया। कैप्टन अपने साथियों के साथ डूब गया, है ना, प्लूरल नहीं है ना, डूब गया सिंगुलर है। लेकिन आप क्या गलती करते, आप यहाँ पे सेलर्स देखते तो आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब बनते। लेकिन रूल कहता है कि अगर आप अलॉन्ग विद से नाउन्स को आपस में जोड़ोगे तो आपको जो वर्ब भरनी है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। सो द कैप्टन अलॉन्ग विद सेलर इज शेफ शिप रैक मतलब टूटा हुआ जहाज है। शिप और रैक का मतलब टूटा हुआ। तो मैंने आपको हिंदी में समझाया, कैप्टन अपने साथियों के साथ टूटे हुए जहाज में है ना, है नहीं बोलने में, है बोलने में। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, द डॉग्स एंड द कैट्स दैट प्लेइंग, ये तो बहुत ईजी है। द डॉग्स ये भी प्लूरल है, द कैट्स ये भी प्लूरल है, और हम इन प्लूरल सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट, ये जो पूरा सब्जेक्ट है, प्लूरल हो गया। सो द डॉग्स एंड कैट्स आर प्लेइंग, खेल रहे हैं। नेक्स्ट देखते बेटा, नोबडी एट द वेन्यू, वेन्यू होता है प्लेस। आपने शादियों में देखा होगा वेन्यू दिया होता है, वेन्यू मतलब जगह, शादी कहाँ पे होगी, वेन्यू के आगे बैंक्वेट हॉल का नाम होता है या फिर घर का एड्रेस होता है, तो वेन्यू मीन्स प्लेस। ठीक है, ये आपको मैंने वोकैबुलरी के लिए वर्ड दिया। अब देखो, अगर आपके सेंटेंस में नोबडी है, नोबडी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे नोबडी हैज कम, हैज आया है ना, नोबडी हैज डन हिज होमवर्क, फिर हैज आया है ना, किसी ने काम नहीं किया। नोबडी हैज गॉन देयर, वहां कोई नहीं गया है, लाइक दैट। सो नोबडी इज देयर, वहां पे कोई नहीं है। नोबडी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो देखते हैं, नोबडी इज एट द वेन्यू, हम कह रहे हैं कि उस जगह में कोई नहीं है, उस जगह में कोई नहीं है। नोबडी के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ईच स्टूडेंट डैश परफॉर्म्ड वेल, सो ईच स्टूडेंट हैज, क्योंकि ईच स्टूडेंट, हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हर स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, सो हैज आएगा। ठीक है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हर बच्चे ने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब अच्छा काम किया है ना। फ्यू स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट, फ्यू स्टूडेंट्स, आप आर भी लगा सकते हैं कि कुछ बच्चे प्रेजेंट हैं, आप वर भी कर सकते हैं कि कुछ बच्चे प्रेजेंट थे। ठीक है, सो फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, लेकिन फ्यू स्टूडेंट के साथ आपकी वर्ब क्या होगी, प्लूरल। अगर आप आर लिख रहे हो तो भी प्लूरल है, आप वर लिखोगे तो भी प्लूरल है, बस टेंस में तो चेंज आया है। सो फ्यू स्टूडेंट्स, बेटे ये एस भी तो बता रहा है, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, तो फ्यू मतलब कुछ बच्चे प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट थे, तो हमने केवल टेंस चेंज किया, लेकिन प्लूरल वर्ब हमारी कैसी होगी, प्लूरल। मैथमेटिक्स डैश इंटरेस्टिंग, देखो मैथमेटिक्स में एस देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। अब मान लीजिए मैथमेटिक्स, मान लीजिए इकोनॉमिक्स, मान लीजिए फिजिक्स, इस तरीके, मान लीजिए स्टेटिस्टिक्स भी सब्जेक्ट होता है कॉमर्स में, ये सभी सब्जेक्ट के पीछे एस लगा होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का नाम है। इसीलिए हमने करना है मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, है ना, मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग होती है। अब मैंने आपको सभी से नाम बताए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, लाइक दैट, इन सबको मुझे सिंगुलर वर्ब लेना है। नेक्स्ट, फिजिक्स दैट्स माई बेस्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, हमें एस नहीं देखना क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम है। नेक्स्ट, द ज्यूरी डैश हैप्पी इन एग्रीमेंट, बेटा जो ज्यूरी होता है ये कलेक्टिव नाउन है, जजेस के ग्रुप के लिए कहते हैं ना, जजेस का जो ग्रुप होता है उसको ज्यूरी कहते हैं। सो ज्यूरी जो है वो अपने निर्णय में खुश है, तो जब ये ज्यूरी का निर्णय एक होगा तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जब इस ज्यूरी का निर्णय अलग अलग हो जाता है, मान लीजिए 10 है, 10 इसमें जजेस हैं और 5 को पसंद आ रहा है निर्णय, 5 को नहीं आ रहा है, उस केस में आप ज्यूरी के साथ प्लूरल वर्ब लोगे। लेकिन जब ज्यूरी के साथ सबके सब जजेस मिलके एक बात पे सहमत होंगे तो आपने वर्ब सिंगुलर लेनी है। लेकिन अगर यही ज्यूरी वर्ड है और वो लोग डिसीजन के ऊपर अलग अलग विचारधारा,
ऊपर सहमत है। वैसे भी कलेक्टिव नाउन के साथ आपका सिंगुलर वर्ब आता है। सो द ज्यूरी इज हैप्पी। अगर यहाँ पे ये होता द ज्यूरी डैश नॉट रेडी विद एग्रीमेंट, तो हम यहाँ पे आर करते कि ज्यूरी एग्रीमेंट से रेडी नहीं है, तो इसका मतलब उसमें जजेस हैं जो सहमत नहीं है, कुछ सहमत है कुछ नहीं है, तो वो भी प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फोर ईयर्स ए लॉन्ग टाइम। अब आप लोगों ने यहाँ का फ्रेज देखते ही नहीं हो, वैसे हमें सिखाया भी यही जाता है कि हमें जब वर्ब भरनी है तो आप ये देखो कि हमें कैसे सब्जेक्ट में, लेकिन बेटा यहाँ पे देखो एक रूल होता है कि अगर हमारा नाउन के आगे यहाँ पे डिजिट आया है, मैथमेटिकल डिजिट आया है, अगर आपके किसी नाउन के आगे मैथमेटिकल डिजिट आया है तो फिर वो हमारा, हम उसको सिंगुलर यूनिट कंसिडर करें। एक बात तो ये है, ये भी एक रूल है ग्रामर में। दूसरा रूल क्या है, यहाँ पर आपको ए वर्ड दिखाई दे रहा है ए, तो आपको जब एग्जाम में आप बैठते हो आपको ब्लैंक के इस तरफ भी देखना है और ब्लैंक के इस तरफ भी देखना है। अब अगर वो लोग ये कहते हैं कि फोर ईयर्स एक लंबा समय है, एक लंबा समय है, तो अगर एक यहाँ पे आ गया तो हमारी वर्ब प्लूरल कैसे होगी, क्योंकि ए हमें बता रहा है कि हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। सो फोर ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, चार सालों का जो समय है एक लंबा समय है। तो हमें कैसे पता चला, इसमें दो रूल मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये कि जब कभी भी प्लूरल नाउन के आगे कोई यूनिट है या मैथमेटिकल कोई डिजिट है तो हम वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर, एक तरीका ये है। दूसरा, उसी वर्ब के आगे के फ्रेज को देखो, उसमें भी आपको आर्टिकल ए मिलेगी। दो दो तरीके आपके पास। नेक्स्ट, टू लैक्स। अब हम आप कहते हैं लैक्स, लेकिन लैक्स के आगे टू आ गया, मतलब इस टू ने इस लैक्स को लिमिट कर दिया। नाउ टू लैक्स डैश ए लार्ज सम ऑफ मनी। अब ये ए हमें बता रहा है कि हमें क्या लिखना है, इज लिखना है। टू लैक्स इज अ लार्ज सम ऑफ मनी, दो लाख एक बहुत बड़ा पैसा होता है, दो लाख एक बहुत बड़ा पैसे का कलेक्शन होता है। लास्ट स्टेटमेंट बेटा, ओलिवर ट्विस्ट डैश रिटन बाय डिकेंस, चार डिकेंस से पूरा नाम इसका। सो ओलिवर ट्विस्ट क्या है, आपको ऐसा लग रहा होगा ओलिवर ट्विस्ट कोई इंसान है, लेकिन यहाँ पे ओलिवर ट्विस्ट एक बुक का नाम है, नोवेल का नाम है। सो ओलिवर ट्विस्ट एक बहुत फेमस नोवेल है चार्ल्स डिकेंस की। सो ओलिवर ट्विस्ट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस ने इसको लिखा है। अब बेटे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं जब शुरुआत में कह रही थी कि आज की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अब आपको लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल सही कह रही थी, है ना। सो ये जो एक्सरसाइज है मैं इसको लिमिट नहीं करूंगी कि ये सिक्स के बच्चों के लिए, सेवन्थ के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। जब आप कोई भी जॉब के लिए एग्जाम देने जाते हो, कोई भी एग्जाम, तो वहाँ पर अगर 10 मार्क्स की इंग्लिश आती है तो इसमें से ज़रूर कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर होगा। सो ये 6th से लेकर 12th, और 12th के बाद वो बच्चे जो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाया होगा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।